झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 मई को अपने चाचा राजा राम सोरेन की अंत्येष्टि में शामिल हुए। इसमें उन्हें जेल से कुछ घंटों की सशर्त इजाजत मिली थी। हेमंत सोरेन अपने परिवार और झारखंड के कई दिग्गज नेता और मंत्री के साथ पैतृक गांव नेमरा स्वर्गीय राजा राम सोरेन बड़े चाचा के दशकर्म में शामिल होने पहुँचे, जहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी। आने जाने वाले लोगों की तलाशी भी ली जा रही थी। बता दें, हेमंत सोरेन से मिलने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साथ मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे। साथ ही दिवंगत राजा राम सोरेन के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने दिवंगत राजा राम सोरेन की जीवनी के बारे में बताया। इस दौरान देखा गया कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी। हेमंत सोरेन अपने पिता सीबू सोरेन से मिलकर आशीर्वाद लिए। उसके बाद ग्रामीणों के साथ तालाब के किनारे बने घाट पर बैठकर अपनी भाषा में कुछ बातचीत की। झारखंड के अलग अलग इलाकों से हजारों लोग नेमरा पहुंचे। बता दें कि हेमंत सोरेन से मिलने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे। साथ ही दिवंगत राजा राम सोरेन के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिए। इस मौके पर जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने दिवंगत राजा राम सोरेन की जीवनी के बारे में बताया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।